ये तो पकड़ के पहले से तैयार है भाई, सब्र भी नहीं हो रहा है। तो बहू भी ऐसी होनी चाहिए जो राइडर और थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और बेटे को घर पे छोड़ के खाओ। तो अब मिक्स करके आप खाओगे तो आप ही बताओगे कैसा लगा। आपके जो आ रहेगा वो गधा बनेगा, ठीक है? नहीं, मेरे पेट में एनीवे डोर कूद रहा है। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ राइडर नॉनी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर की राइड। और मेरी इस ऑल इंडिया राइड की जर्नी के दौरान मैं पहुंच गई थी जयपुर में, और अभी जो मैं रुकी हूँ एक प्यारी सी फैमिली है, पूरा परिवार भाई राइडर्स लोगों का परिवार है। तो हमारे साथ है दीपक जी, हाय करिए हमारी ऑडियंस को। तो भाई जो दीपक जी है यहाँ के अभी सबसे सीनियर है, और सबसे सीनियर राइडर हम कह सकते हैं। ये हमारी आंटी जी कह सकते हैं, जो सबसे सुपर सीनियर है वो इस घर की यही है। तो आप बताइए, आपको ये जो राइडिंग का कीड़ा है ये कहाँ से आ गया, ये घूमने और राइडिंग का कीड़ा? ये एक छोटी सी ट्रिप पे गई थी, और जब मैं बाइक के पीछे बैठी मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं हर जगह बाइक पे ही राइड करूँ, तो मजा आया बहुत ज्यादा। वाह भाई, तो मतलब आपने कभी आई थिंक बहुत ही रेयर देखा होगा कि भाई किसी घर के जो मतलब सबसे बड़े मम्मी पापा पेरेंट्स हैं वो लोग राइडिंग के इतने शौकीन हैं, जो कि पूरी फैमिली के साथ अक्सर राइड पे जाते हैं, और लद्दाख राइड पता नहीं कौन कौन सी राइड करके आ रखे हैं। तो अभी हम मिलाते हैं नेक्स्ट मेंबर से। हमारे साथ है रोली, और इनकी जो सबसे कॉमन बात मुझे अच्छी लगी है भाई, अपने उत्तराखंड से, अपनी उत्तराखंड की नौनी है रोली। और ये है, ये भी भाई बाइक राइडर है, और मतलब बहुत ही फार राइडिंग करती है, और बाकी आपने भी लद्दाख वगैरह आई थिंक सब राइड कर रखे हैं। तो अभी नेक्स्ट पर्सन से भी हम मिला देते हैं, आइए। हेलो हेलो गाइस, मैं राइड वाइड कुछ नहीं करता, मैं बस आराम करता हूँ। तो अभी भैया हमारे साथ है, ये दोनों है एक क्यूट से कपल, क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ जो हमारी बातें हुई है, गेम हुए, गपशप हुए, भाई मैं तो भूल ही गई जैसे कि मेरी ऑल इंडिया राइड चल रही है, और इतनी मस्ती करी है, हर एक दिन बहुत ही सुपर जा रहा है, ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है कि पर्सनली बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे कि 2 दिन गुजर गए थे, तो हमने आज प्लान किया है कहीं बाहर जाके घूमने का। तो अभी हम लोग, हम तीनों ही जा रहे हैं ना, आई गेस भैया नहीं आ रहे ना? नहीं, आप नहीं आ रहे। तो हम लोग जा रहे हैं राइड के लिए, और कहाँ जाएंगे ये मैं आपको थोड़ी देर पे बताती हूँ। मतलब 2-3 दिन में राइड कर रही हूँ मैं, और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अभी बिना लगेज के कहीं हमें जाना नहीं है, बिना लगेज के कर रहे हैं, तो फ्री माइंड होकर मस्त सा राइडिंग गियर्स में मैंने बस जैकेट पहनी है, हेलमेट पहना है, पैंट वेंट नहीं पहना है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सामने ऐसी पहाड़ी वाला नजारा दिख रहा है कि बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मतलब मेरे को नहीं पता था राजस्थान में इतने सारे माउंटेन्स होंगे, इतने पहाड़ होंगे। मैं आपको इसके सिनेमेटिक दिखा देती हूँ। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए ना, आपने तो बोला था हम सनसेट पे जा रहे हैं, तो सन कहाँ है? सनसेट हो गया है। तो आंटी जी तो पीछे है, आप बताइए ना, आपने बोला था हम सनसेट देखेंगे, हम कल दोबारा आ सकते हैं शायद, तो अभी हम सनसेट के लिए दोबारा आ सकते हैं। और यहाँ से स्टिल जो व्यू है ना वो बहुत ही तगड़ा है, और मैं सोच पा रही हूँ कि जब सनसेट के टाइम होता होगा तो कितना ही सही लगता होगा, क्योंकि सामने ऐसा लग रहा है कि या तो मनाली या उत्तराखंड की कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और सामने से ढलता हुआ सूरज दिखता, तो बड़ा मजा था। तो बड़ा उत्तराखंडी पहाड़ियों और यहाँ की पहाड़ियों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ी फ्लैट है, ये अरावली रेंज है, और जो हमारे यहाँ है वो हिमालयन रेंज है। हाँ बोले तो, जब हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में आते हैं ना तो उसके पहाड़ थोड़े क्लोज होते हैं, और ऐसा खुला मैदान नहीं दिखता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, खुलेपन के साथ पहाड़ियाँ है। तो सामने देखो हमारे है ध्रुव तारा, दिख रहा है क्या?
व्यू देखो क्या सही व्यू है। घर पे रहे थे बट जैसे कि पूरी जो कम्युनिटी बन रही है ना सारे चटोरा लोगों की कम्युनिटी बनी है, चटोरा लोगों की गैंग कह सकते हैं। देखो ये तो पकड़ के पहले से तैयार है भाई, सब्र भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो जिस अड्डे में ला रखे ना यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है अलग अलग चीज़ों की। किसी एक ने भी नहीं कहा कि घर पे जाके खाने का टाइम हो रहा है, सबने कहा चटपटे खाते हैं। तो आप क्या खाने वाले हो? गोलगप्पे, दही वाले गोलगप्पे, पांच पानी वाले। ओ भाई ये इसे दही पापड़ी कहते हैं, ये भी दही पापड़ी है। हाँ। तो ये देखो दो दो दही पापड़ी आ गई, अभी पांच पानी वाले गोलगप्पे भी ट्राई करने वाले हैं। आप क्या खाने वाले हो? मैं मुंह देखूंगा सबका। मैं घर पे खाऊंगा। तो अभी ये ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खा के हम लोग घर पहुंच गए और अभी खाने वाले हैं सारे लोग खाना। मुझे तो सब थकेले लग रहे हैं भाई। नहीं, मैं नहीं थका हुआ। आपको इसीलिए घर पे छोड़ा था क्या कि आप पूरा अरेंजमेंट करेंगे? हाँ, थके हारे लोग आए। हाँ। और बाकी जो लोग घर पे हमारा इंतजार कर रहे थे वो हमें खाना परोस के दें। कि भाई देखो ऐसा होना चाहिए कि घर की बहू बाहर जाके राइड कर रही है तो बहू भी ऐसी होनी चाहिए जो राइडर और थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बेटे को घर पे छोड़ के काम करना खाना सर्व कर रहा है। तो देख लो भाई, जिन जिन के फैमिली में ऐसा नहीं होता भाई, नए वाले रूल्स लागू करो और थोड़ा परिवर्तन लाओ, है ना। और खाने में क्या क्या है बता दो जरा। मैं अच्छी तरीके से बता देती हूँ कि हमारे राजस्थानी फूड में सबसे फेमस जो चीज़ें वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये है दाल। दाल के साथ यूजुअली हम पेयर अप करते हैं बाटी को और चूरमे को। चूरमा मीठा होता है और बाटी आटे की बनी हुई घी में डूबी हुई होती है। तो क्योंकि मैम थोड़ा ऑयल कम खाती हैं, घी कम खाती हैं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा घी में नहीं डुबोया। फिर यहाँ पर आ जाइए आप, ये रही कढ़ी जिसे हम पहाड़ में झोली भी बोलते हैं। पर यहाँ की कढ़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर ये है लहसुन की चटनी। अब लहसुन की चटनी यहाँ पे थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि राजस्थानी लोग स्पाइस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और हम कढ़ी के साथ पराठे को पेयर अप कर सकते हैं। वैसे बाटी ही खाई जाती है दाल और चूरमे के साथ। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि दाल हमारी नमकीन और स्पाइसी और चूरमा बिल्कुल मीठा। तो अब मिक्स करके आप खाओगे तो आप ही बताओगे कैसा लगा। ये मिक्स करना है या मिक्स क्यों हुआ? तो इसके साथ ये ये सारा खा के हम लोग आ गए ऊपर गेम खेलने के लिए। और दो तीन दिन से यही सब चल रहा है। खाना खाने के बाद 1-2 बजे तक अलग अलग तरीके के रोज गेम होते। तो अभी हम खेलेंगे जेंगा। तो अभी न्यू राउंड हम शुरू करने वाले हैं जिसे मैं भी खेलने वाली हूँ और देखते हैं इस बार को कौन विनर रहेगा। अब के जो हारा वो मुर्गा बनेगा या कुछ और बनेगा? अब के जो हारेगा वो गधा बनेगा, ठीक है? नहीं, मैं नहीं हूं, मुझे गधा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मजाक में भी। तो जो हारेगा वो गधा बनेगा, जो जीतेगा वो नहीं। अरे नहीं, सही है। अरे यार ये कैसे निकलेगा? अरे नहीं, मैं निकालने को तैयार हूँ। कोई गधी गोश्त मैं इसको निकालने को तैयार हूँ जिसपे टिका है यार। ये मेरा होमवर्क तो हमेशा ही अधूरा रह जाता है डोरेमोन। कुछ कोई गैजेट दो ना।
नोबिता तो हमेशा आलसी की तरह बिहेव करता है। शिनचान मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम शिजुका के पीछे जाना बंद करो तभी तुम सुधरोगे। शिजुका से तो मुझे प्यार है। लगता है डोरेमोन को मुझे अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा ताकि वो इसे गैजेट ना दे। शिनचान मेरे साथ ऐसा करोगे ये तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा मत करो। तुम तो गुस्सा हो गए, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। क्या तुम सच कह रहे हो शिनचान? डोरेमोन क्या मुझे तुम लाइट डिटेक्टर नहीं दोगे? दे दो ना डोरेमोन। कोई डोरेमोन बनो भैया। क्योंकि वो तो हर चीज डोरेमोन को ही बोलता है। तो भाई थोड़ा फन चल रहा था यहाँ पे, वॉइस चेंजर वाले आर्टिस्ट भी आ गए हैं तो अलग अलग कैरेक्टर में घुस गए थे। और ये तो भाई नोबिता ही ऐसा लग रहा था, नोबिता साक्षात प्रकट हो गया मेरे सामने। हेलो दोस्तों, तो आज है अगला दिन और कल रात हमने इतनी सारी बातें करी और काफ़ी लेट में सोए थे तो लेट में उठे भी। और आज जो हमारा आज का प्लान है वो है गरबा नाइट अटेंड करने का, जो कि स्पेशली गुजरात और राजस्थान की एक कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, हमारे उत्तराखंड में तो नहीं चलता। तो मैंने ना कभी इसमें कभी पार्टिसिपेट किया और ना मुझे उसका एक्सपीरियंस है। और आज देखो कैसे रंग बिरंगे हम लोग बन रखे हैं। और अभी मैं रेडी होंगी और उसके बाद हम चलेंगे गरबा नाइट्स की तरफ। और ये देखो दो बंजारन। तो जो ये लुक है ना कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। और क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं पहना तो मेरे लिए एकदम से नया है और मुझे पहनने के बाद अच्छा भी काफी लग रहा है। पूरे रेडी और देखो कितने रंग बिरंगे लग रहे हैं। हम जा रहे हैं गरबा नाइट। तुम रूम पे ही रहना ठीक है, शोई शोई करना। तो भाई हम जा तो रहे हैं गरबा नाइट के लिए, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि हम लोग जा रहे हैं बाइक से और देखो कितना मजा आने वाला है। गए घर पे और गरबा नाइट पे तो इतना ज्यादा मजा आया, मेरी तो वैसे भी फर्स्ट टाइम था, बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली आपने तो मेरे को इतने सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करा दिया यार। वैसे गरबा एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। आई वाज ट्राइंग टू मेक हर डे स्पेशल, क्योंकि आज ही जब 1,00,000 फॉलोअर्स हुए हैं तो मेरे को लगा कि कुछ स्पेशल करके देखती हूँ अपनी प्यारी प्यारी राइडर के लिए। थैंक यू सो मच। और हम दोनों ने जो डांस में कोऑर्डिनेट किया है ना भाई, ऐसे ऐसे क्लिप है, आपको आई होप मजा आया होगा। और अगर मजा आया है ना तो वीडियो को पक्का लाइक कर दो और सब्सक्राइब करते रहो, प्लीज सब्सक्राइब करते रहो। और जयपुर की अगर कोई ऑडियंस देख रही है ना तो पक्का सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलते हैं हम नीचे खाने के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए खाने में कुछ स्पेशल बना है। चलो खाने पे चलेंगे। हाँ शिनचान हमें जल्दी नीचे चलना चाहिए, बढ़िया खाना बना है आज। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं? नहीं, मेरे पेट में एनीवे डोर कूद रहा है। जल्दी से डोर निकाल के हम खाना खाने के लिए चलते हैं। चलो। मैंने तुम्हारे लिए एक इतना बढ़िया ड्रेस निकाला था अपने एनीवेयर पॉकेट से। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया नहीं कि ये कपड़े खराब है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये कपड़े खराब नहीं है। तुम देखना अपने सारे वीडियोस में तुम मेरे कितने अच्छे लग रहे हो। ये देखो, हैप्पी बर्थडे केक। वाओ, कैसा लगा सरप्राइज? हमारे लिए तो केक है। देखो देखो, ये केक तो बहुत सुंदर नजर आ रहा है। वाओ, ओ माय गॉड, नोटिस ही नहीं किया। हो ओ भाई, ये देखो, वो तो मुझे लगा था 100 के और लाऊंगी यहाँ पे, इतना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन।
ये आज हमारे इंस्टाग्राम पे 1,00,000 लोग जुड़ चुके हैं इसी खुशी में। इतना प्यारा सरप्राइज दिया, वाओ ये बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं नीचे आई, पहले तो मुझे लगा मोमो खाने आए, इन लोगों ने मुझे बोला मोमो लाया रोहित अपने घर से, बट फिर मुझे दिखा केक है तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। और ये देखो थैंक यू, किस किसने फुलाई ये बताओ। ये सब हम सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और सुबह भी बहुत मजा आया, खाना भी बहुत अच्छा खाया, गरबा राइड में भी जो फन किया है वहाँ लोगों से भी इंटरेक्शन किया, और अब ये भी हुआ है। मतलब आज का दिन ना वन ऑफ द बेस्ट डे है इन माय लाइफ, मेरी लाइफ का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी जब बाइक देखी ना तो मुझे लगा ये अभी आया है, शायद गरबा के लिए लेट हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा। बट थैंक यू सो मच, कितना अच्छा है रोहित, मतलब हम तो सेलिब्रेट कर चुके थे, ये लिया है, थैंक यू। Hey.